हेलो आकाश, वेलकम टू जली खजाना। सीन में देख रहे हैं, हम काफ़ी ड्रामेटिक सीन शूट कर रहे हैं। आपको कितना मज़ा आ रहा है सीन शूट करने? बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अभी आप लोग ने देखा कि रेणु गिर जाती है, तो हाँ पर्सनली तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी, बट अब सीन में ऐसा है कि आकाश अपनी मॉम के लिए केयर करता है, तो अब बस वही केयर कर रहा है वहाँ पे। तो क्या इन्हें थोड़ी बहुत भी गुंजाइश है कि वहाँ पे ड्रामा चल रहा है, नाटक रहा है बस अटेंशन के लिए? बहुत ज़्यादा ड्रामा दिखेगा आपको अभी। वो एक का चार करने वाली बातें जो है वो आपको दिखेगी, और रेणु जो है इतना ड्रामा करेगी जस्ट टू सी के लोगों का रिएक्शन क्या आता है। और आई और आजी का जो बैंटर है वो काफ़ी मज़ेदार है। सचिन जो है वो डांस करता है, गाना वाना गाता है, तो वो भी आपको देखने मिलेगा। तो क्या ये ऐसा हो सकता है कि सिर्फ साइली की वजह से वो ड्रामा हो रहा है या कोई रीज़न अलग है? सैली की वजह से तो नहीं हो रहा है, सैली तो अच्छा ही करना चाहती है, लेकिन अब उसके चक्कर में कुछ अच्छा हुआ है जो कि रेणु गिरी है और उसे सबक मिला है जो कर्माधर है, तो आई थिंक वही है जो हेल्प कर रहा है उन्हें आगे बढ़ने में। थैंक यू सो मच। अब तुम सब खुश हो ना कि मैं गिर गई और यहाँ पट्टी बांध के पड़ी हुई ऐसे? एक बात अब तक ना मुझे तेरी थोड़ी चिंता होती थी, अब वो भी नहीं। अच्छी खासी रसम में बाधा डाली है तूने। हाँ मैं ना तुझसे बाद में बात करूंगी, चल साइले चल। मतलब इतने में इतना हाल है तेरा? अब तो तुम बीच में पैसे भी चुकाने शुरू नहीं किए, मालूम पड़ा उसे कसम भी सब खाया, कुछ उल्टा पड़ गया तू इस तरह से बोझल का हो जाएगा। उठना, एक बात तो अच्छी हुई नहीं, जानबूझ के कुछ नहीं किया मैंने, ये अनजाने में।